अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत क्विक और बेसिक रेसिपी सूजी हलवा की। तो देखते हैं कैसे बनता है। सूजी हलवा बनाने की रेसिपी हर घर में तकरीबन सेम ही है। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर शीरा तैयार करेंगे। मैं 2 कप पानी ले रही हूँ और 1 कप इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। मैंने 2 कप पानी डाला और इसे हम पका लेंगे चीनी डालकर। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे हम। 2 से 3 अदद इलायची है मेरे पास, वो इसमें शामिल कर दूंगी मैं, ताकि जब ये शीरा पकेगा तो इसके साथ इलायची की खुशबू भी शामिल हो जाए। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास था ये जलेबी का कलर, जो जलेबी में हलवाई यूज़ करते हैं, ऑरेंज कलर, ये वो कलर है। मैंने 1/2 टीस्पून लेकर इसको पानी में घोल लिया था, पहले से मिक्स करके रख लिया था। अब मैं देखकर इसको थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगी कि ज़्यादा भी ना कलर हो जाए इसका। अब जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं ऐड करूँगी इसमें। फूड कलर ऐड करने के बाद एक बॉयल आने तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ताकि इसकी जो इसके अंदर जो चीनी है वो डिसॉल्व हो जाए। तो शीरा हमारा तैयार है, देखें चीनी भी डिसॉल्व हो गई है। इसको एक बॉईल आने के बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। अब एक अलग पैन में मैं डालूँगी 1/2 कप मेरे पास घी है, आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। इसको गर्म करेंगे हम। अब घी गर्म हो चुका है, फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। अब मैं इसमें 1 कप सूजी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून मैदा शामिल किया। इनको इकट्ठे हम भून लेंगे, तब तक भूनना जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए सूजी के। ये देखिए 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद सूजी हमारी भून चुकी है और घी भी ऊपर आना शुरू हो गया इसमें। मैं मीडियम फ्लेम पर इसका ऐसे ही इसको चम्मच चलाती गई इसको, और कलर इसका जो है वो चेंज हो गया, अब घी भी ऊपर आ गया। अभी स्टेज पर सूजी हमारी रेडी है। मैंने जो शीरा बनाकर रखा था मैं इसमें वो ऐड करूंगी। मीडियम फ्लेम पर इसी तरह चम्मच चलाते जाएं इसको। शीरा ऐड करने के बाद भी आपने इसको ऐसे मीडियम फ्लेम पर ही चम्मच चलाना है। इसमें स्पैचुला की मदद से इसको हिलाते जाएं ताकि नीचे ना लगे। अब 2 से 4 मिनट के लिए इसको हम कवर करके भी रखेंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से पक जाए ये। अब जो भी नट्स आपके पास हैं, जो भी आप डालना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं स्टेज पर डालकर, और अब हम इसे कवर करके रख देंगे। कवर करने से पहले मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप से भी कम दूध, वो इसलिए कि इसमें थोड़ा सा मिल्की टेस्ट आ जाएगा, बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें थोड़ी सी मलाई या दूध भी ऐड कर सकते हैं, दूध की जो बलाई होती है ये डाल के बस अब आप इसको कवर करके रख देंगे। दो से तीन मिनट कुक करने के बाद अब हलवा हमारा रेडी है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे।
ये यम्मी सा हलवा हमारा रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं फिर अपनी किसी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।